Hello guys, welcome to Girls Public Live on ARY Musik. This is Becks, hope you guys are doing well. You can call us live. If your call is not going through, leave a message on my Facebook page, which is Becks Khan. Today, our topic is that everyone's life has very good experiences and they also remember them and bad experiences. It's not like they're good, but it's bad with good. So, today our topic is the life's most funny experience. क्या है आप अब तक तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है आप हमें कॉल करें और हम आपको बैलेंस देंगे तो प्लीज़ डू कॉल अस एंड और हमारे साथ शेयर करें कि ऐसा कौन सा फनी एक्सपीरियंस आप लोगों का रहा है जो कि यू नो कि आपको बैठ के हंसी भी आती होगी कि ये ऐसा जो moment that we can never forget, we can never ever forget in our whole entire life. So that's what we're talking about. Life ka sabse funny experience kya hai ab tak aur aage chalke bhi obviously it's not like abhi tak yahan par bas funny experiences khatam ho gaye aur life depressing chal rahi. It's not like that. Aage bhi chalke jo hai experiences achhe achhe aate hain. You just get to discover more and you get to see ki aur life mein kitni jo hai cheeze padi hain to explore. You know. So that's what we're talking about today. Apni feedback mere page pe drop kar dein aur mujhe abhi message ek aaya hua tha jo ki main pehle hi read out kar rahi thi kyunki mujhe बाद में भूल जाती हूँ कि क्या ये क्या मैसेज था आप लोगों का जो आई जस्ट कीप फॉरगेटिंग एंड दिस गर्ल वाज आस्किंग मी कि आज हमारे साथ वो फ्यूचर जो आप लोगों को पता है कि हमें हमारे शो पर आती रहती हैं अंजुम आती रहती हैं जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करती हैं टैरो कार्ड रीडर लेकिन मैं वो नहीं हूँ मैं आप लोगों को फ्यूचर नहीं बता सकती सो आई थिंक आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ नहीं आई कि मैं नहीं करती आई एम नॉट ए फ्यूचर टेलर और आई एम नॉट ए टैरो कार्ड रीडर सो मारिया सहर यू आस्क्ड मी कि मैं आपको आपकी मैरिज के बारे में बताऊं लेकिन आई एम रियली सॉरी आज हमारे साथ वो नहीं है वो कल होंगी क्योंकि टुमारो इज वेडनेसडे होपफुली शी इज गोना बी विद अस टुमारो सो ऑल यू हैव टू डू इज कल भी आप हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि वी आर लाइव मंडे टू थर्सडे 4 to 5 PM दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे एनीवेज जो हमारे जिस तरह एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं लाइफ के इट्स नॉट लाइक के हर वक्त डिप्रेसिंग मोमेंट्स चलते हैं हमारी जो लाइफ में जो है हर यू नो इट्स लाइक इट शुड बी पर्की एंड लाइवली इट शुड बी लाइक ऑल डल इन अबाउट अगर आप इस तरह अपनी लाइफ को सीधे इस तरह डल वे में लेकर चलते रहोगे यू नो गोइंग टू बी एक्सपीरियंसिंग नो फन एंड आई कैन रिमेंबर इज मेरे तो बहुत सारे फनी एक्सपीरियंसेस रहे और फनी एक्सपीरियंसेस में आपका बहुत ही सारे आ सकते हैं जिस तरह इफ़ यू जस्ट स्टैंडिंग राइट आप अभी मेरे साथ ये हुआ था I think it happened in UK when I was there और वहाँ पर जो है मैंने आप लोगों को पहले बताया था जिस तरह आई वॉज इन कॉलेज कॉलेज में मेरे साथ एक दो बार हुआ है और मैं जब टाउन में हुआ करती थी वहाँ पर मेरे साथ होता था when I used to be with my best friend we just going out and somewhere तो वहाँ पर जो है एक लड़की she was walking towards me and she was like just waving and I was like I waved back I was like oh was she just waving at me even though she wasn't किसी और को वेव कर रही थी और मुझे लगा मुझे वेव कर रही that was kind of funny और बहुत embarrassing भी ये होता है कि आप if you just turn around you see कि वो they were not really smiling at me or just waving at me लेकिन इस तरह के तो होते रहते हैं experiences लेकिन हमारे पास कॉल है हेलो हेलो अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम कौन बात कर रहा है मैं तस्कीन जफर चित्राल से बात कर रही हूँ कौन बात कर रही है तस्कीन जफर चित्राल अच्छा तस्कीन कैसी हैं आप मैं बहुत ठीक हूँ आप कैसी हूँ मैं भी बहुत ठीक हूँ आप ये बताएं कि आपने पहली बार कॉल किया आज हाँ मैं हर रोज ट्राई करती हूँ लेकिन इंगेज आता है कभी हमारे फोन भी उठाया करें प्लीज अच्छा लेकिन आई थिंक लाइन बिजी होती है क्योंकि हर कोई कॉल कर रहा होता है तो इसलिए लाइन कॉल मिलने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है आप ये बताएं कि आप क्या करती हैं मैं पढ़ती हूँ थर्ड ईयर में अच्छा थर्ड ईयर में सही तो क्या फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं आगे कॉलेज के बाद क्या करना है मुझे होस्टिंग करने का बहुत बड़ा शौक है अच्छा होस्टिंग का शौक है तो अभी आपने कोई इसको सीरियस लिया है कि हाँ मैंने ये करना आगे चल के हाँ अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी आपकी तरह टीवी पे आऊँ और वीजे बनने का बहुत ज़्यादा शौक है इसलिए अच्छा सही है दैट्स वेरी गुड तो उसके साथ साथ आपको और किस चीज़ का इंटरेस्ट है कि एक तो होस्टिंग हो गया और भी लोगों की एक्टिविटीज़ होती हैं फैशन होता है कि उनको हमें ये करना है हाँ मुझे सोशल वर्क का बहुत ज़्यादा शौक है ओके भाई तो अभी तक आपने कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पार्टिसिपेट किया या कुछ किया हो हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा ओके राइट अच्छा ये बताएं हर लाइफ में जो है हर किसी की लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं पीएच स्कैरी मोमेंट्स या फिर बहुत ही अपसेट खाने मोमेंट्स लेकिन हम यहाँ बात करें फनी एक्सपीरियंस अगर आपके साथ कभी हुआ है आज तक हाँ जब रिजल्ट आता है ना तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वो टेंशन होती है वो अच्छा टेंशन होती है हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जिस तरह एक्सपीरियंसेस होते हैं ना हर किसी की लाइफ में होता है कि बहुत अच्छे मोमेंट्स होते हैं हम यहाँ फ़नी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं आपकी लाइफ में अब तक कौन सा ऐसा फ़नी एक्सपीरियंस रहा है जी आपकी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है इसी वजह से
मैं कह रही हूँ कि जिस तरह हर किसी की लाइफ में जो होता है कि फनी एक्सपीरियंसेस होते हैं, फनी एक्सपीरियंस मतलब बहुत मजाक वाले नहीं जो होते हैं कि लाइफ में हुए होते हैं, आपके साथ कभी हुआ है? हाँ, मेरे साथ बहुत दफा हुआ है। फ्रेंड्स कभी चेट करते हैं इस तरह। क्या करते हैं? मेरे फ्रेंड्स एक दफा मुझसे कहे कि यार आपके आपका रिजल्ट आए और आप आज डाउन हो गए, मेरे तो जान निकल गई, यार ये क्या हो गया है मेरे साथ। मैं बहुत वो टेंशन में आई। जब उसने कॉल करके बताया कि नहीं यार आपने तो टॉप किया है, तो मैं इतनी खुश हो गई कि यार आपको बता नहीं सकती। अच्छा, आपने टॉप किया है? कौन सी ग्रेड में? कौन सी क्लास? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में किया है? हाँ। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। सो अभी थर्ड ईयर के क्या प्लान्स हैं? अभी टॉप करने का इरादा है? इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह। बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू गाइस। वी आर गोना बी गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग गर्ल्स पब्लिक। हेलो गाइस, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग गर्ल्स पब्लिक। आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आज बात कर रहे हैं लाइफ का सबसे फनी एक्सपीरियंस जो आपकी लाइफ में अब तक हुआ है। आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस था, और हम आपको बैलेंस भी देंगे अगर हमें आपने कॉल करके बताया गया कौन सा ऐसा फनी एक्सपीरियंस था, और हमें अगर लगा कि बहुत ही ज़्यादा फनी है। सो वी आर गोना बी गिविंग आउट बैलेंस टुडे। सो ऑल यू हैव टू डू इज डायल द नंबर एंड जस्ट कॉल अस, और अपनी फीडबैक भी मेरे पेज पर ड्रॉप कर सकते हैं रिलेटेड टू द शो और एनीथिंग, किसी भी कोई भी, इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड, यू नो, रिलेटेड टू द वे वी कीप द टॉपिक्स या गेस्ट के रिलेटेड एनीथिंग। सो वी आर गोना ऑब्वियसली कंसिडर इट एंड यू नो थिंक अबाउट व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड, व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड इन द स्टॉल फॉर एवर यू मेंशन। बट एनीवेज, आज हम बात कर रहे हैं लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं। मुझे दो तीन अपने एक्सपीरियंसेस याद आ गए जो कि मेरे साथ हुआ था व्हेन आई वाज 8-9 ईयर्स ओल्ड। 8-9 साल की थी, मुझे नहीं पता मैं कितने साल की थी, लेकिन इतने ही आई वॉज अ किड बेसिकली। तो हम लोग जा रहे थे, वी वर गोना ट्रैवल टू यूके बैक देन, और आई वॉज गोना गो एंड सी माई ब्रदर्स देयर। मैं अपने भाइयों को मिलने जा रही थी, माई मॉम वॉज ऑलरेडी देयर, और हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। आई वॉज गोना ट्रैवल विथ पापा, तो मैं और माई फादर एंड देन माई एल्डर सिस्टर, वी वर देयर, और हम लोग पैकिंग कर रहे थे। और उस वक्त जो है लंदन में बहुत सर्दी थी, लाइक इट वॉज क्रेजी, लाइक बहुत ही सर्दी थी। और वहाँ का तो वेदर ये है ना कि हर वक्त सर्दी रहती है, वहाँ पे कभी गर्मी होती नहीं है, होती भी है तो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, और बहुत सही की गर्मी पड़ती है फॉर लाइक यू नो 2-3 weeks, दैट्स अबाउट इट। वहाँ तो समर है ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई दे से ब्रिटिश वेदर इज काइंड ऑफ मूडी, दैट्स व्हाट यू कैन से। तो उस वक्त जो है गर्मियाँ नहीं थी, सर्दियाँ थी, और मुझे जो है, मैं तो भाई आई एम जस्ट अ किड राइट, और मुझे पापा वॉज लाइक कि तुम सही से कपड़े पैक कर रहे हैं, सिस्टर शी वॉज लाइक डूइंग, वो भी पैकिंग कर रही थी। और what we did was sardiyon ke kapde rakhne ke bagair, matlab instead of putting like you know sardiyon ke kapde nahi rakhe, aur garmiyon ke kapde maine rakh diye, aur they were like slippers and stuff, aur main wahan jaake us samay jab my mom opened the bag, she was like ye kaise kapde utha rahe ho, that was kind of funny, aur bahut hi ajeeb experience hai, you know, bacche to aisa karte hain, lekin मैंने ओबियसली अपने फादर की बात नहीं सुनी, और हमने पता नहीं क्या क्या ऐसे कपड़े डाल दिए थे, आई वॉज खाना क्रेजी है वहाँ पर। जब फिर ओबियसली अब आपको पता है कि आप जा रहे हो, आई वॉज जस्ट खेड यू नो, 8-9 साल के आप हो, आपको क्या पता कि वहाँ पे क्या है ऐसा एंड ऑल दैट। एनी वेज, हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? सुंबल बात कर रही हूँ कराची से, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सुंबल, आप कैसी हो? हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत कम मुझे आपका शो देखने को मिलता है, कभी लाइट का इशू हो जाता है या फिर कभी केबल का इशू हो जाता है, लेकिन शुक्र है आज मैं देख रही हूँ। अच्छा, और शुक्र है आज कॉल भी मिल गई। फर्स्ट टाइम कॉल किया आपने? नहीं, मैंने एक आध मरतबा बहुत पहले किया था, लेकिन आपके साथ फर्स्ट टाइम आ गई। अच्छा सही है, ओके, आपने शो पे पहली बार फिर की है हम कैसे। अच्छा सुमर, ये बताएं आप क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ, ग्रेजुएशन किया हुआ मैंने। अच्छा ग्रेजुएशन किया, सही है। तो क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के? अभी फ्यूचर में देखो क्या होता है, क्या करते, अगर शादी ना हुई तो फिर जॉब। अच्छा सही है, तो अभी शादी के प्लान्स हैं? हाँ कुछ ऐसा चल रहा है। अच्छा अच्छा सही है, डू लेट अस नो अगर कुछ गुड न्यूज़ हुई। अच्छा ये बताएं सुम्बुल कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा फनी एक्सपीरियंस हुआ है अब तक? हाँ बिल्कुल हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा फनी था, क्योंकि हम लोग बेसिकली इंटीरियर सेंस से हैं, तो हम लोग कराची घूमने के लिए आए थे, तो आपको पता है ना कि कराची में कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं क्योंकि ग्लास की बनी होती है वो वॉल, ऐसे पता नहीं चलता कि वो बीच में शीशा है या नहीं है। तो मैं, मुझे पता ही नहीं चला, मैं सीधी सीधी जा रही थी अपनी फ्रेंड कजन के साथ, और मैं समझी शॉप है डायरेक्टली, मैं डायरेक्ट मैंने अंदर जाने की कोशिश की, और वो पूरा मैं ग्लास टकरा के ना
और इतनी जोर से वहाँ पे तारिक रोड था ना, तो गिरी मतलब बैठ गई, मुझे खुद एहसास नहीं हुआ कि आगे शीशा भी था। और वो सब हंसने लगे, हाँ तुम लोग सखर से आए हो और ये वो बत्तियां देखने आए हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, ये नहीं वो नहीं, बड़ा उन्होंने मेरा मजाक बनाया। खैर थोड़े सा हम लोग आगे चले तो इत्तेफाक जो मेरी कजन मेरा मजाक बना रही थी, सेम उसके साथ सिचुएशन हो गई। वो शूज देख रही थी और बहुत करीब से जाके शूज देख रही थी, उसे पता नहीं चला कि ये शीशे के उस पार है। और उसे मैंने कहा यार हम तो बत्तियां देखने आए थे, लेकिन तुम देखने वालों के साथ भी ऐसा हो जाता है। तो ये बड़ी फिर हम सब लोग इकट्ठे ही बहुत इंजॉय किया, हम बहुत हंसे। अब भी मिलते हैं तो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं सिचुएशन को। हाँ जब खुद के साथ होता है फिर दूसरा वाला भी बोलता है कि हाँ इस तरह किसी पे नहीं हंसना। हाँ वो हमारा मजाक बना रहे, तुम गांव से आए हो बत्तियां देखने आए हो ये वो, मैंने कहा हम लोग तो कभी कभी बत्तियां देखने आते, तुम रोज देखो फिर भी नहीं पता। ओह भाई ठीक है चला, चलिए सही है, थैंक यू सो मच कॉलिंग, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, बाय बाय। ओके टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फनी एक्सपीरियंसेस, जिस टाइम कोई गिर भी जाता है तो आप किसी को देख के हंसते हो और obviously they've just tripped over और उनको देख के हंस रहे हो और फिर आपके साथ अलान करे आगे जाके आप भी गिर जाओ तो obviously they are gonna laugh at you, because अगर आप जितना बिहेव कर रहे हो लोगों के साथ वैसे ही आपके साथ वो ट्रीट करेंगे। anyways अपनी फीडबैक मेरे पेज पर ड्रॉप करते हैं। I'm gonna be going for a break guys, don't worry, keep watching Girls Public. Hello guys, welcome back from the break. You are watching Girls Republic. आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके हमें ये बताएं कि आपकी लाइफ में आज तक कौन सा ऐसा फनी एक्सपीरियंस हुआ है और जो भी हमें बताएगा उनको हम बैलेंस देंगे। सो वी हैव टू डू इज कॉल करें और मेरे पेज पे भी फीडबैक ड्रॉप कर सकते हैं, विच इज बेक्स खान BECKSKHAN, और जो मेरा पेज है वो बेक्स खान के नाम से है, VJ बेक्स के नाम से नहीं है। सो जस्ट लेटिंग यू गाइज नो, एंड ऑब्वियसली अपने जो लोग एक्सपीरियंसेस यू नो शेयर करते हैं बहुत फ़नी एक्सपीरियंस होते हैं और एम्बैरसिंग मोमेंट्स भी हो जाते हैं। और मेरे साथ मुझे एक याद आ रहा था बहुत ही फ़नी अजीब सा, मेरे साथ नहीं हुआ था, इट हैपन विथ माई सिस्टर्स। और इस तरह होता है ना, आप घर पे ऑर्डर करते हो, होम डिलीवरी करवाते हो और घर पे यू नो यू जस्ट गेट योर टेक अवे एंड स्टफ। सो व्हाट हैपेंड वाज माय सिस्टर, शी डिडंट बेसिकली ऑर्डर फूड, उसने खाना ऑर्डर नहीं किया था, एंड शी वाज लाइक शी वाज हंग्री ऑलरेडी एंड शी वाज थिंकिंग टू ऑर्डर समथिंग। व्हाट हैपेंड वाज उधर घर पे जो है ऑब्वियसली जो राइडर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कभी अगर गलत घर पे डिलीवर कर देते हैं, और किसी और का जो खाना था वो राइडर जो है किसी और के घर का खाना इट जस्ट ड्रॉप्ड ओवर फरा के मेरे बहन के घर पे, फरा के घर पे ड्रॉप कर दिया। एंड आई वाज लाइक शी वाज लाइक कि खाना तो मेरा है ही नहीं, मैं तो खाना ऑर्डर किया ही नहीं। एंड दैट डिलीवरी गाय वाज लाइक नहीं ये एड्रेस हमें तो दिया गया और उसको गलत एड्रेस मिल गया था, एंड दे जस्ट ड्रॉप्ड ओवर एट माय सिस्टर्स प्लेस। और जब खाना उसको मिल गया शी वाज लाइक हाँ सही पता नहीं जिसका भी खाना है, शी जस्ट पेड द गाय, शी जस्ट गेव द मनी टू द गाय एंड शी जस्ट यू नो, और वो उसने खाना ले लिया शीज। और जिनका ऑर्डर था वो वे बेसिकली उनका बेचारों का कितना बुरा हाल हुआ कि हमारा खाना अभी तक नहीं आया। इट्स लाइक सो वेयर अगर इस तरह हो रहा है, लेकिन ठीक है आप अपना खुद ऑर्डर कर लो, आवर जैसे ऑब्वियसली यू हैव टू कीप थिंग्स फेयर, इट्स नॉट लाइक शी इज माय सिस्टर, आई एम गोना साइड हर। लेकिन इस तरह के सीन्स जो होते रहते हैं यू नो व्हेन यू जस्ट थिंक अबाउट इट आफ्टर लाइक 5 or 10 years, यू जस्ट थिंक के दोज वर द मोमेंट्स वेयर वी हैड ए फन पर्की लाइफ, यू नो इट्स दैट्स व्हाई दे से यू हैव गॉट वन लाइफ टू लिव। अपना खुशी खुशी लोगों के साथ गुजारें और जितना हो सके जस्ट बी हैप्पी एंड स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, बिकॉज आजकल एक अगर आप स्माइल जो है एक दूसरे को दे दो, अगर स्माइल फिर जस्ट स्माइलिंग, यू नो किसी के दिन ही अच्छा हो जाए अगर किसी का बहुत ही लो एंड अबाउट दिन गुजर रहा है, एंड यू जस्ट यू नो आपने अपना फेस यू रखा हुआ है, इट्स जस्ट लाइक स्ट्रेट फेस, नो स्माइलिंग, इट्स लाइक नो इट्स नॉट राइट। आपको अपना स्माइल रखनी चाहिए और यू नो जस्ट स्माइल एट ईच अदर, तो इतना अच्छा होता है, क्योंकि इफ़ यू नॉट गोना बी लाइक दैट, अगर आप इस तरह अपना एटीट्यूड फेस रखोगे आपको लोग समझेंगे आप में बहुत एटीट्यूड है, यू नो इट शुडंट बी दैट वे। एनीवेज हमारे पास कॉल है, हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? महवेश बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ महवेश, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। और प्रोग्राम देख रही हूँ, फनी एक्सपीरियंस सुन रही हूँ, सबकी लाइफ में होते हैं थोड़े बहुत, मेरी लाइफ में भी है। मेरी एक दोस्त है उसके दो भाइयों की शादी थी और दो बहनों के साथ, मतलब वो भी ट्विंस थी, मतलब दोनों बहनें थी और इधर से भी दोनों भाई थे। तो हम लोगों लाड़काना गए हुए थे। लाड़काना में क्या होता है कि वहाँ पर दिखाते नहीं है उनकी फैमिली में ना, दुल्हन दिखाते नहीं है। अच्छा। मतलब बोलते हैं मतलब ले जाओ और अपने घर जाके देखना। ओह माय गॉड। तो वहाँ बिल्कुल उन्होंने दिखाया नहीं, शादी हो गई सब कुछ हो गया, और जब गाड़ी में बिठाया तो अब दोनों दुल्हनों को बिठाया और दोनों दूल्हों को बिठा दिया। अब वो मेरी दोस्त का भाई बार बार कह रहा है बाजी
और पंजाबी था, एक बार चेक कर लो दुल्हने चेंज हो गई है, मतलब वो बार बार बोल रहा था, मतलब एक दफा चेक कर लो, मुझे लगता है दुल्हने चेंज हो गई है, यानी कि फिलहाल तो बिठाया था ना बराबर बराबर में गाने, तो मेरी दोस्त बार बार डांट देती थी, चुप करके बैठो सही बिठाया है, चुप करके बैठो सही बिठाया है। खैर वो जब घर पहुंचे और जब उतारा देखा तो इतनी हंसी आई कि बेचारा सही कह रहा था, यानी कि मतलब उस भाई की दुल्हन उस भाई के पास, उस भाई की दुल्हन उस भाई के पास थी। तो हम इतना हंसे, उससे पूछा भाई तुम्हें, हाँ मतलब तुम्हें कैसे आइडिया हुआ, मेरी दोस्त ने और हमने पूछा भाई तुम्हें, कह रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा पता था कि इसके वाली छोटी है और मेरे वाली मोटी है। तो ये बात सुन के तो हम लोग इतना हंसे कि मतलब उसने कहा मुझे पहले से आइडिया था कि मेरी दुल्हन थोड़ी सी मोटी है और भाई की दुल्हन थोड़ी सी छोटी है, तो मैंने मिटा दे से अंदाजा लगाया कि ये मेरी नहीं है। पूरी सब लोग हंस रहे थे कि देखो ऐसा इत्तेफाक भी कभी कभी कहीं कहीं हो जाता है। और जो है ना मतलब एक बहुत फनी थी, उस वक्त सोचे आप कितनी फनी सिचुएशन होती, दूल्हे भी हंस रही थी और दूल्हे भी हंस रहे थे। ओह माय गॉड, तो ये इस तरह होता है, ये ट्रेडिशन है कि नहीं देख सकते दुल्हन को पहले? नहीं देख सकते, वो बड़ी वो पुराने जमाने के कुछ घराने ऐसे हैं जहाँ पर नहीं दिखाया जाता। अच्छा, वही ट्रेडिशन चलते हैं। मतलब इस सिचुएशन को देखते हुए तो दिखाना चाहिए ना। एग्जैक्टली भाई, आप जा रहे हो, आप मिल रहे हो लोगों से, नहीं आप अपना फेस नहीं दिखा सकते। फिर हम लोगों ने लेकिन एटलीस्ट जब अपने घर ले आया तो फिर हमने चेक करके दुल्हन दी थी, हाँ भाई ये इनकी और ये इनकी। हाँ, they belong to this person, ये नहीं के वाले ताज। बहुत मजे की ये सिचुएशन थी, बहुत ज्यादा मजे की। Alright, Mehvish, that was lovely experience, but thank you so much for calling. It was nice talking to you. हम यहाँ बात कर रहे हैं कि फनी एक्सपीरियंस जो लोगों के साथ होते रहते हैं, एंड दैट वाज काइंड ऑफ क्रेजी। मैंने पहली बार ऐसा कोई एक्सपीरियंस सुना है कि आप अपना ऑब्वियसली आप फेस वगैरह कुछ भी आप देख नहीं रहे हो, आप ऐसे जाके उनको दे रहे हो, भाई कोई आप चीज़ खरीद रहे हो, इट्स लाइक इज इट लाइक दैट। बट ऑब्वियसली ट्रेडिशंस जो हैं ट्रेडिशन होते हैं, इफ़ यू गोना स्टार्ट चेंज इन ट्रेडिशन राइट, तो वो ट्रेडिशन कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि ट्रेडिशन वो होते हैं कि इतने पुराने सालों से चलते आए, यू नो, बी लाइक 10 years और 15 years, 20 years और या तो फिर वो सेंचुरी, यू नो, इस तरह की बहुत सारी जो ट्रेडिशंस होते हैं। आजकल तो हमारे जो इवन इन आवर सोसाइटी बहुत सारे जो है ट्रेडिशंस आजकल बहुत ही, यू नो, देर नॉट कॉल्ड ट्रेडिशंस, बहुत ही चेंज होते जा रहे हैं इन आवर कंट्री, इन आवर सोसाइटी और भारत के लोगों में। कभी कभार होता है कि कुछ हमारी कंट्री में भी जिस तरह ट्रेडिशंस चलते जाते हैं, बी एड मैरिज या फिर कोई भी चीज़ से हो जाए। एनी वेज, हम बात कर रहे हैं फनी एक्सपीरियंस के बारे में, अपना फीडबैक मेरे पेज पर ड्रॉप कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू बी गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, गाइस डोंट गो एनीवेयर, वॉचिंग गर्ल्स फॉर बैक। Hello guys, welcome back from the break. You are watching Girls Republic, obviously, and we come live Monday to Thursday because somebody was asking me and I had to mention on the show, kyunki hum live aate hain 4 din aate hain, which is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Aur jo aaj ka jo topic hai wo ye hai jiske liye aapko balance mil sakta hai agar aap hame iska answer denge. All you have to do is call kare, aapko ye karna hai ki call kare, call karke main bataye aisa kaun sa experience hai, funny experience jo aaj tak aapki life mein hua, aaj tak baithke aap haste rehte hain aur is tarah ke hote rehte hain experience, you know, experiences aapko batate hain ki aage chal ke aapko yaad rehte hain ki is tarah ki harkat nahi karni chahiye, to aage se aapko pata hota hai ki one shouldn't be doing this thing ki kyunki iske aapko pata honge ki, you know, side इफेक्ट पता होंगे या सही के इफेक्ट्स जो आपको पता होंगे कि आगे आप नहीं करेंगे जाके, यू वुड नो कि हाँ इस चीज़ में तो आपको बिल्कुल नहीं जाना। एंड इट्स दैट्स व्हाट यू बेसिकली होल एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको होता है एक्सपीरियंस जो हर चीज़ का आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो उसमें फिर यू शुडन बी फोकिंग इट, यू नो, यू शुडन जस्ट गो फॉर इट बिकॉज यू नो इट्स नॉट राइट फॉर यू, क्योंकि आपको अगर पता है, अगर आपको पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है एंड स्टिल यू वांट टू गो फॉर इट, दैट्स जस्ट लाइक मेकिंग अ स्टूपिड मिस्टेक। अगर आपको पता है ये चीज़ whatever that thing is, it's not good for you or for your health or for your mental health and stuff like that, so you shouldn't be going for that. It's like ki agar aapko pata hai ki ha aage se aapko ye result aayega and you're going to be like ki ha mujhe pata hai aage se bad result aayega, so I think it's not right and you should just be careful, kyunki agar aap careful nahi hoge, oh well, the person who's the only person who's going to get hurt in the end is you yourself, and all you have to do is just look after yourself and be happy, you know, just think पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप सही सोचोगे कि हाँ ये चीज़ ठीक रहेगी तो आगे से रिजल्ट भी अच्छा होगा। एनी वेज, बिफोर खो, हेलो, हेलो, सलाम अलैकुम, कौन बात कर रहा है? सोना बात कर रही हूँ मैं। कौन बात कर रही है? सोना। सोना कहाँ से कॉल की है? फातराबाद से। अच्छा अच्छा जी, कॉल्स बीन ड्रॉप्ड, हम आपका फीडबैक जो पढ़ लूँ मैं, आप लोगों के मैसेज जो मुझे आ रहे हैं, एंड द अदर पर्सन द अदर डे मुझे उन्होंने कुछ
पूछा था मेरा कोई नया सॉन्ग आया, अभी तक तो कोई नहीं सॉन्ग आ रहा मेरा, बिकॉज आई हैवंट रियली यू नो पेड मच अटेंशन टू माई म्यूजिक करियर, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है म्यूजिक रिलेटेड, मुझे कौन सा अपना सॉन्ग करना है कौन सा नहीं करना है. सो इट्स जस्ट सो कन्फ्यूजिंग फॉर मी राइट नाउ, सो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग. ये कहते हैं ना कि हर चीज़ों पर अपना फोकस रहोगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आप एक चीज़ को अपनी अटेंशन नहीं दे सकोगे. जस्ट आई इफ यू लाइक यू नो, अगर कोई बात बोलें कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपका माइंड कहीं और है, तो आप जो काम कर रहे हो उस पर आपका ध्यान नहीं रहता, यू नो यू जस्ट वुडंट नो कि आगे से क्या कौन सा स्टेप लेना है एंड ऑल दैट. तो इसीलिए मुझे अभी नहीं पता कि मैं क्या अपना सॉन्ग अपना नेक्स्ट कर रही हूँ या कौन सा नहीं कर रही. लेकिन हाँ, जो मेरा सॉन्ग था दैट वाज रिलीज्ड लास्ट ईयर सितंबर में आई थिंक रिलीज़ किया था. सो दैट्स द ओनली सॉन्ग गाइस, अभी कोई और अपकमिंग नहीं आ रहा, और आएगा सो आई विल अपडेट इट ऑन माय पेज जो कि है बेक्स खान. एनीवेज तो ये मैंने आपका मैसेज जो मुझे इंस्टाग्राम पे आया था, आई थिंक इंस्टा पे आया था या कहाँ फेसबुक पे आया था, सो आई जस्ट रिप्लाइड बैक टू इट. एंड येस, जिस तरह हर किसी की लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सपीरियंस आपको बताते हैं कि लाइफ में क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है. सो दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट टुडे. आप भी अभी कॉल कर सकते हैं, आई थिंक टाइम है आपके लिए, कॉल करें और कॉल करके हमें बताएं कि ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस हुआ आपकी लाइफ में, और अगर हमें लगा कुछ ज़्यादा ही बहुत ही फनी था और ओवरलोडेड इट वाज, सो वी आर गोना बी गिविंग आउट बैलेंस. और बैलेंस के लिए जो है ऑब्वियसली येस आई कैन हियर द फोन रिंगिंग, सो येस ऑल यू हैव टू डू इज कॉल करके हमें बताएं कि ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है हर किसी की लाइफ में. जो है कभी कभार होता है कि एक इंसान बहुत ही डिप्रेस्ड बैठा हुआ है, उसको पता नहीं कि लाइफ उल्टी पुल्टी हो गई है, पता नहीं कुछ हो ही नहीं उनको, दे जस्ट डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड दे जस्ट मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ गुड स्टफ जो बाहर है अगर वो अपने कम्फर्ट जोन से जाके निकले. जैसा कहते हैं ना, अगर आप एक काम कर रहे हो और आपको पता नहीं कि दूसरा काम कैसा है, इट्स जस्ट दैट अपने कम्फर्ट जोन में रह के वो काम करें, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट सो यू वुड नो कि और कितने ज़्यादा अच्छे आपको एक्सपीरियंसिस मिलने को, यू नो यू कैन like experience a lot of good stuff as well. क्योंकि आपको पता होगा कि ये सारी जो चीज़ें आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो उसमें अगर आप बाहर निकलोगे आपको पता होगा कि यार दिस थिंग इज़ वाओ, दिस थिंग इज़ नॉट एंड स्टफ. लेकिन आज के जो हमारी विनर हैं आई थिंक वो महविश हैं. कंग्रेचुलेशंस महविश, यू वॉन टुडे. अच्छा, कल भी हम लाइव होंगे, कल भी हम इसी तरह के नहीं, आई थिंक हाँ कल हमारे साथ जो है अंजुम जोगी होंगी, जिनसे आप पूछ सकते हैं अगर आपको फ्यूचर पूछना है. सो टुमारोज वेडनेसडे हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर होंगी. यू कैन लीव योर फीडबैक ऑन माय फेसबुक पेज गाइस. आई एम गोइंग टू बी साइनिंग ऑफ बिकॉज़ ऑब्वियसली इट्स टाइम दैट वी शुड. यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू लेटर.